हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों ये वीडियो आपको 5 बेनिफिट देने वाला है, तो दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहना क्योंकि इसमें आपको मोबाइल रिलेटिव सीक्रेट सेटिंग मिलने वाला है जो इस नॉलेज को और कोई नहीं दे सकता। दोस्तों ये वीडियो को कीप मत करना, लास्ट तक देखते रहना, मेरी रिक्वेस्ट है। अब अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ये करने से आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल की बैटरी दिगुना चलने वाला है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये सेटिंग करने के बाद आपका मोबाइल का बैटरी दिगुना चलने वाला है। पहले से जितना चार्ज रख रहा था आपकी फ़ोन उससे ज़्यादा रखने वाला है। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल नेचुरल है। दोस्तों अपना घबराइए, ये सेटिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, जाना है आपकी फ़ोन सेटिंग में। फ़ोन सेटिंग में जाने के बाद नीचे जाना है दोस्तों, यहाँ पर अबाउट फोन लिखा होगा तो उसको क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद जाना है फिर से नीचे, वहाँ पे बिल्ड नंबर लिखा होगा दोस्तों, बिल्ड नंबर अगर नहीं आ रहा है तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन को क्लिक करना है। उसके बाद जाना है नीचे, देखना है बिल्ड नंबर, बिल्ड नंबर को क्लिक करना है दोस्तों 7 बार। हाँ दोस्तों, बिल्ड नंबर को 7 बार क्लिक करना है। ये करने के बाद आपका एक नया ऑप्शन ऑन होगा जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। मेरा पहले से ऑन हो चुका है इसलिए नहीं शो कर रहा है, तो आपका ऑन होगा। उसके बाद बैक आ जाना है दोस्तों फोन सेटिंग में, तो उसके नीचे जाके देखना है डेवलपर ऑप्शन एक ऑन हो चुका है, तो दोस्तों उसको ऑन करना है। उसको क्लिक करने के बाद अगर ऑफ होगा तो उसको ऑन कर देना है पहले दोस्तों। उसके बाद जाना है नीचे, नीचे जाने के बाद देखना बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट लिखा होगा, यही है दोस्तों, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्टैंडर्ड लिमिट में होगा तो उसको नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है। ये दोस्तों क्या होता है, आप जब मोबाइल चलाते हो वो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, जब ऑफ कर देते हो ऑटोमेटिक ही प्रोसेस होता है। तो ये करने से आपके जितने टाइम मोबाइल यूज करते हो उतने टाइम ही बैकग्राउंड प्रोसेस चालू होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें और एक इंटरेस्टिंग सेटिंग है जो करने के बाद आपका मोबाइल फास्ट भी चलने वाला है। इसके लिए जाना है दोस्तों थोड़ी ऊपर, ऊपर जाने के बाद देखना विंडो एनिमेशन स्केल लिखा होगा। हाँ दोस्तों, इसको आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके विंडो एनिमेशन 1x में होगा तो उसको ऑफ कर देना है दोस्तों। उसके बाद उसका नीचे का बटन को भी ऑन करना है, उसके बाद उसको भी ऑफ करना है, और दोस्तों उसका नीचे का बटन भी ऑन करना है और उसको भी ऑफ कर देना है दोस्तों, ये तीनों को ऑफ करना है। ये क्या होता है दोस्तों, आपके मोबाइल को थोड़ा फास्ट चलाने में हेल्प करेगा और ये बिल्कुल नेचुरल है, घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। दोस्तों ये सेटिंग आपको 3 फायदे देने वाला है। पहला, ये आपकी डाटा को बचाएगा। दूसरा, ये आपके मोबाइल की चार्ज को बचाएगा। तीसरा, अपने मोबाइल को हैंग होने से बचाएगा और फास्ट बनाएगा। तो दोस्तों ये भी नेचुरल है, ये आपकी फ़ोन की सेटिंग में है, इसके लिए भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये भी करने के लिए तैयार हो जाए, तो चलो मोबाइल सेटिंग में जाएंगे। तो दोस्तों मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद नीचे जाना है, ऐप्स का एक ऑप्शन होगा, तो दोस्तों आ गया, इसको ऑन करना है ऐप्स का ऑप्शन को। तो दोस्तों आप जो ऐप्स यूज करते हो इंटरनेट में सिर्फ उसको छोड़ के और जितने भी ऐप्स है उसको ऑन करना है। तो दोस्तों मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करता इंटरनेट में, तो उसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद नीचे जाना है, मोबाइल डाटा लिखा होगा दोस्तों, उसको ऑन करना है। तो देख रहे हो मेरा इसमें अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूज ऑफ है, लेकिन ये आपकी ऑन होगा तो उसको ऑफ कर लेना है। ये करने से क्या होगा, आपका जो ऐप्स है ऑटोमेटिक डाटा यूज करता है, अगर आप उसको ऑफ कर देते हो तो आप जितनी जॉब चलाओगे उससे तो ये वो तो ही डाटा यूज करेगा आपकी। ये पहले ये कर दिया, ऐसा जितने भी आपसे दोस्तों आप कर दो उसको, मैं क्लॉक नहीं चलाता तो उसको भी डाटा बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो दोस्तों मेरा यहाँ पे ऑन है,
तो मैं भी उसे ऑफ कर देता हूँ, आप भी ऑफ कर देना। ये आपकी डाटा को बचाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप जो आप नहीं चलाते हो अपने फ़ोन में तो उसको ऑन करना है, जिससे मैं गूगल का डुओ ऑप्शन को चलाता नहीं अपने फ़ोन में, तो यहाँ पे डिसेबल है दोस्तों, उसको डिसेबल कर देना। ये करने के बाद ये अपने फ़ोन में शो नहीं करेगा, जो हमारी बैटरी को बचाएगा और हमारी रैम जो मिला है कंपनी तरफ से उसको भी बचाएगा। और रैम ज़्यादा फ्री रहेगा तो अपने मोबाइल में ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो ये भी कर लो दोस्तों। तो इस तरह ये सारी जितने आपसे आपको चाहिए उतने रख के, और जितने भी आपसे उसको आप डिसेबल कर सकते हो, और डाटा बैकग्राउंड डाटा को आप भी कर सकते हो, आपकी फ़ोन को डाटा चार्जर हैंग होने से बचाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर दूसरा पार्ट देखनी हो तो उसकी कमेंट में ज़रूर लिखना। तो अब तक रहता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।